कोरोना, जिसे वैश्विक महामारी का नाम दिया गया है, इस बीमारी का अभी तक कोई स्थायी इलाज नहीं सामने आया है, लेकिन हर बीमार का इलाज हो रहा है और संक्रमित व्यक्ति ठीक भी हो रहे हैं, जिनके ठीक होने का प्रतिशत भी काफ़ी अधिक है। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वालों को कोरोना की बीमारी हो रही है, ऐसा हर केस में हो यह भी नहीं है। कोरोना केयर सेंटर में जब सभी कोरोना संक्रमित होते हैं और नए नए संक्रमित आते रहते हैं, तो फिर क्यों यह फंडा वहां काम नहीं करता कि संक्रमित के संपर्क में आने से पुनः व्यक्ति संक्रमित होता जाए? कैसे इन्हीं के बीच में से मरीज ठीक होकर घर चले जा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि मरीज दवाइयों के सहारे कुछ समय के बाद ठीक होते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित के परिवार के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसे उचित नहीं माना जा सकता। जिस तरह से घर को चिन्हित कर उसे कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया जाता है, वह सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला है। क्वारंटाइन होने वाले परिवार की आर्थिक दशा पर भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा रहा। यदि परिवार का कमाने वाला क्वारंटाइन है, तो उस घर का खर्च कैसे चलेगा, इसकी चिंता करने वाला भी कोई नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में अलग अलग बिस्तर, निस्तार की अन्य सुविधाएं की क्या व्यवस्था है, इसे भी कोई देखने वाला नहीं है। क्वारंटाइन व्यक्ति किसी अन्य के संपर्क में नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या किसी कर्मचारी को तैनात किया जाता है, यह भी स्पष्ट नहीं है। सामाजिक और धार्मिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध है, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम लगातार जारी हैं और उनमें भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। इससे क्या कोरोना नहीं फैलेगा? ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं जो पीड़ित व्यक्ति या फिर उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं, जिसका कोई संतोषजनक जवाब देने वाला नहीं है। हम अपने इस माध्यम से बस यही निवेदन कर सकते हैं कि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है, लेकिन इसके लिए अछूत जैसा व्यवहार किया जाए, यह उचित नहीं है। समाज के लोगों को चाहिए कि संक्रमित और उनके परिवार को हे दृष्टि से न देखें, जिससे कि उनमें हीन भावना न पैदा हो। प्रशासन को भी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे और लोगों को प्रशासन का सहयोग करना होगा, तभी हम इस बीमारी से न केवल निजात पा सकेंगे, वरन आपसी सौहार्द भी कायम रह सकेगा।